400-500 साल पुराना अद्भुत ये वृक्ष की कौतूहलता है जो ये भवन को। मैं हूँ उत्तराखंड के रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ वन दुर्गा मंदिर, जो रुद्रपुर के किसी गांव में स्थित है। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वहाँ चलते हैं और वहाँ का देखते हैं। वहाँ ये बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। सुना है वहाँ जितने भी लोग जाते हैं मन्नतें जो मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलूँ, तो आपको लेके चलते हैं और वहाँ बताते हैं वहाँ क्या क्या है और ये प्राचीन जो मंदिर है उसकी विशेषताएँ बताते हैं। तो आपको ले चलते हैं वन दुर्गा देवी मंदिर रुद्रपुर उत्तराखंड। ये व्यू देख रहे हो आप, उत्तराखंड के किसी भी कोने में चले जाओ ऐसा व्यू देखने को तो जरूर मिलेगा। तो फाइनली अब मंदिर में पहुंच गए। ये देख रहे हो आपको, यही जो पेड़ है ना, पाखर का पेड़ है। पाखर के पेड़ के नीचे माँ जो जर है उसके अंदर से माँ विराजमान हुई थी। तो ले चलते हैं अब आगे, आपको बताते हैं। और ये रहा प्राचीन, कम से कम 400-500 साल पुरानी मंदिर है। ये है दादी जो एक छोटी सी दुकान यहाँ पे खोल रखी है और यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, धूप अगरबत्ती और प्रसाद के लिए। बस एक यही दुकान है, एक छोटी सी है दादी। और अब मंदिर के पास चलते हैं और ये देख रहा हूँ मैं नारियल ले रहा हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए और धूप अगरबत्ती लिया है। तो अब चलते हैं फाइनली मंदिर। और ये जो घंटी देख रहे हो आप, ये जो एक कुंटल की है, ये मतलब एक कुंटल की, आप बहुत छोटा सा। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं ये वन दुर्गा मंदिर, जो है प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये रुद्रपुर में स्थित है, उत्तराखंड के रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ फाइनली पहुँच गए। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, बरगद पाथर का पेड़ है। इसके पेड़ के नीचे जो गुफा बनी है इसमें माता विराजमान है। यहाँ पे देखते हैं और अंदर जाते हैं। बाबा की मुझे ज़्यादा पता नहीं, ये बाबा बैठे हुए पंडित यहाँ जो पुजारी हैं उनसे बाबा की पता करते हैं और आपको बताते हैं आगे यहाँ पे क्या है और क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है। तो ये माता का दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँच गया। आप देख रहे हो ये गुफा है, पेड़ का जो जर होता है ना, जर के अंदर ये चारों साइड से जर है और जर के अंदर ये माता की मंदिर है, एक मूर्ति है और ये मूर्ति शायद सोने की है। तो और ये तो माता का मंदिर और ये देख रहे हो आप गुफाएं हैं और ये गुफा के अंदर माता विराजमान है। और आप देख रहे हो ये बिल्कुल अंदर में माता, ये गुफा के अंदर जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय जग जननी जगदम्बा की जय, जय माता दी। तो बाबा कुछ ये बताएंगे मंदिर की विशेषताएं क्या है और कब से ये मंदिर स्थित है और क्या है इसके बारे में, बाबा कुछ बताओ आप। ये मंदिर प्राचीन है 2000 में जी, उसके पहले हम सन 2084 में झाड़ी के अंदर ये था। हम लोग गायों के चारा लेने जाते थे पंतनगर फार्म में, तो यहीं आकर के छाया में बैठते थे। उधर से नहर बहती थी, उधर कच्ची सड़क थी, उधर खेती होती थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की भूमि थी, यहाँ कुछ होता नहीं था। यहाँ झाड़ी के अंदर ये छिपा हुआ था। जब से शिवकुल आई तब से यहाँ माता की सेवा करने के लिए हम लोग जो है यहाँ हाजिर हैं। 3 वर्ष मैंने यहाँ सन 2005-06-07 3 वर्ष रात दिन पन्नी लगा करके, बांस अच्छा। की खूंटी लगा के, पन्नी लगा के, तखट डाल के 3 वर्ष लग गए हैं यहाँ का। अच्छा। सन 2005 में वो वृक्ष लगाया, 6-7 3 वर्ष रहा, उसके बाद में हमने रहना छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ साधु लोग आए, झूला जलाए थे। अच्छा। उनको फिर जो है हमने बहन बेटी की जगह है, ये सब जर्जर था, सड़क की चटाई, फिर बाद में चटाई लगी, चटाई बांस चटाई लगी, वहाँ तक छाया गया। जब ये जब दंगा हुआ था सन 2012 में, अच्छा 2012 में जो दंगा हुआ था, हाँ, जब राधा कृष्ण मंदिर है ट्रायल कैंप, अच्छा, इनके आशीर्वाद से वहाँ गया, वहाँ का पहला पोरेशन धर्मशाला का बनवा के, फिर एक साल बाद आया तो यहाँ उजाड़ करके फिर नया बांस डाला, चटाई ऊपर से पन्नी लगी। ये थोड़े दिन 3 साल हुआ इसे टीन को डाली हुई। अच्छा, ये 3 साल पहले डला हुआ है। 3 साल, 3 साल हुआ है, 3 साल पहले। और अभी उधर जो नया रंगाई है, अच्छा, उसको 3 महीना हुआ बनाई हुई।
ये नवंबर में तैयार हुआ लिंटर और ये अभी हाल में, पहले अंदर जाते थे, ये जब से हुआ तब से स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वो आता है, घड़ी चढ़ाते हैं, घंटी चढ़ाते हैं, भंडारा करते हैं, जिनके संतान नहीं होती है उनको संतान प्राप्त होती है, ये आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी शक्तिपीठ इनकी बड़ी महिमा है। हमारे सारे काम बिगड़े हुए इन्होंने बना दिया और मैं निश्चिंत रहता हूँ और महारानी की कृपा से जितना हो सके वहाँ सजाने के लिए, सब स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने के लिए सदैव सदैव हम यहाँ तत्पर रहते हैं, किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो आप हमेशा यहाँ पे 24 घंटे ही रहते हो? रात दिन में रहते हैं, रात में चौकीदार रहते हैं, और जो कि रात में नींद लग गया तो रात में आए हमला भी कर दिया, यहाँ से जो है यहाँ बाजा रखा था उठा ले गए, हाँ उधर से मोटर खोल ले गए, तो ये सब गाँव के बस्ती लोग हैं आज और ये लिंटर हुआ, ये इसके बाद सीनरी ये आगे लगी, नहीं तो इसमें जो है सब एक खोडर था, ये अब जा कर के सुंदरता इसमें एक साल के अंदर 3 लाख रुपये थी माता के और इसके वृक्ष के बाहर बाहर आम आंवला बरगद पीपल नीम महुआ रुद्राक्ष ये सब पंडित गुरुनाथ तिवारी ने अपने हाथों से वृक्षों को लगाया कि पक्षी बैठेंगे फल आएगा, चढ़ा दो बेटी। अब अंदर जाते हैं तो ये धूप जलाते हैं, धुआं अंदर जी जी हाँ, दिखाई नहीं देता और ये तो आपके नेट में चल रहा है जी। माता जर में कैसे उनका स्थापना कैसे होती स्थापना ये शक्ति माता की है, बहुत अद्भुत महिमा है, ये अपने आप बुलाती है, आपके दिल में जब बैठ जाएगी तो 500 किलोमीटर रहेंगे तो वहाँ पे आपको पहुँच जाएगी, आपके सामने खड़ी दिखाई देगी। अच्छा जी, मतलब जिनकी मनोकामना पूरी हाँ, होती है वो अपना यहाँ हाँ, पे अपना हाँ, माता के नाम से अपना चढ़ा जाते हैं ये जी। पहले तो अंदर से तो दोस्तों जैसा कि अब आप देख रहे हो ये जो पेड़ है, पेड़ के बिल्कुल अंदर मतलब ये गुफा टाइप का बना हुआ, इसके मतलब अंदर जो माता विराजमान है, और आप उसके बाद कुछ दिनों बाद ये बनाया गया था, तो आप देख रहे हो ये पेड़ है, कौन सा बाबा पेड़ कौन सा है? ये पाखर का पेड़, पाखर का पेड़ है ये, वृक्ष की कौतूहलता है, पाखर की जी जी कौतूहलता है, जो भवन को चारों ओर से लपेट रखा है और दरवाजा इतना था जी जी, जड़ में आगे बढ़ करके बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर, इसमें अंदर जाते हैं जी जी जी, आसन धोते हैं, फूल पाती चढ़ाते हैं, दीपक जला करके बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर स्वच्छता पवित्रता बनाए रहने की अड्डे अंदर घुस कर देख जाएंगे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माता है यहाँ पे कोई बात नहीं, हमें दर्शन नहीं, दर्शन हो गया बाबा, देखो बाप माता तो दोस्तों जैसा कि अब आपने देखा बाबा ने इन मंदिर की विशेषता बताई, माता की कृपा बताई है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, फिर वहाँ उनके अकॉर्डिंग अपना यहाँ का जो भी उनका होता है स्वेच्छा से वो अपना यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, और ये माता यहाँ पे विराजमान है, ये बहुत ही अंदर है गुफा, ये माता का देख रहे हो आप, जैसा कि माता भवन है अंदर, पूरे भवन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा जो यहाँ का माता है, माता पहले तो यहाँ पे क्या होता था, पहले अंदर जाते थे लेकिन अब क्या है ना, क्या होता था स्वच्छता पवित्रता की वजह से क्या है ना, उन्होंने मतलब बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था बना रखी है जी। तो एक बार जोर से बोलिए माता की जय, सच्चे दरबार की जय, शक्ति मैया की जय। ले लेती हूँ दोस्तों, ये है एक छोटा सा सिबलिंग, ये बिल्कुल जो पेड़ है यहाँ, पेड़ के पीछे चारों साइड बहुत ही स्पेस है, तो यहाँ पे एक भोलेनाथ की सिबलिंग है आप देख रहे हो, और दूसरा सिबलिंग एक ये है यहाँ पे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और ये जो पेड़ है ये है नीम का और पीपल का, और नीम पीपल और बरगद का पेड़ जो है एक ही साथ जुड़े हुए हैं, और ये है यहाँ, तो आप यहाँ का देख रहे हो ये, और ये है शनि महाराज का छोटा सा एक मंदिर है शनि महाराज का,
तो आपने देखा यहाँ की विशेषता, बाबा ने जो बताया है यहाँ के मंदिर की विशेषताएं हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त जन आते हैं और यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये रहा मंदिर का, मंदिर के चारों साइड जो है यहाँ पे स्पेस है। और ये है कौन सा पेड़ बताया, मुझे याद नहीं है, पीपल। अच्छा, तो दोस्तों देख लिया आपने यहाँ का जो ये वन दुर्गा मंदिर है यहाँ का, और इसके बारे में आपने सुन लिया होगा बाबा से, इनकी विशेषताएं क्या है। तो फिर मिलते हैं।